बदायूं लोकसभा सीट से आदित्य यादव लड़ेंगे चुनाव। सपा जिला अध्यक्ष ने आदित्य के नाम पर खरीदा पर्चा। ओम प्रकाश राजभर की माता का हुआ निधन। मणिकर्णिका घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। सीतापुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर शिवपाल का बड़ा बयान। कहा भाजपा के लिए अपशगुन है केशव प्रसाद। संभल में लोकसभा प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया शुरू। 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर अमरोहा से है, जहां आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान कुत्तों के झुंड ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट को नोच डाला, जिसके बाद अस्पताल के लोगों ने कुत्ते के झुंड से बच्ची को छुड़ाया और नाजुक हालत में बच्ची को मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि इससे पहले भी कुत्तों के झुंड ने बच्चों पर हमला किया था, जिसके चलते डीएम ने कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करने के निर्देश दिए थे। खबर बदायूं से है, जहां भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन मुहूर्त के तहत एक सेट में आज नामांकन दाखिल किया। 18 अप्रैल को वो अपना विधिवत नामांकन कराएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव नहीं बल्कि उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। सपा जिलाध्यक्ष ने आदित्य के नाम से पर्चा खरीदा है। सपा जिलाध्यक्ष आशीष यादव ने आदित्य के प्रत्याशी होने की पुष्टि की है। 15 अप्रैल को आदित्य यादव कलेक्ट्रेट में नामांकन करेंगे। समाजवादी पार्टी के लिए पर्चा खरीदने आए आदित्य यादव जी के नाम की मांग भी है और लोगों में रेज भी है उनका। पार्टी ने तय किया है आदित्य नेता के सामने तो पार्टी को मरना ही पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बदायूं दौरे पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के लिए अपशकुन है, ये जहां जहां गए जीत का अंतर बढ़ा है। केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी और घोसी गए तो जीत का अंतर बढ़ा। वहीं नामांकन के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा उलझी रहेगी कि सपा से कौन लड़ेगा और हम 15 अप्रैल को नामांकन कराकर बड़ी जीत दर्ज करेंगे। देखिये, भारतीय जनता पार्टी के लोग और केशव मौर्य असीम फंसे रहेंगे और 15 तारीख को हम समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी का नामांकन हो जाएगा और ये इसी में उलझन में फंसे रहेंगे। तब तक हमारा प्रत्याशी जीत के यहाँ से भारी जीत के चलेगा। देखिए जी, केशव मौर्य जी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन हैं। ये जहाँ जहाँ जाते हैं, जैसे मैनपुरी गए थे तो हमारा जीत का अंतर बहुत बढ़ गया था। फिर गए घोसी, वहाँ भी जीत का अंतर बहुत बढ़ गया। अब यहाँ देखो आए हैं, देखना बदायूं लोकसभा में ओझानी से लेकर के सभी जगह हमारा जीत का अंतर बहुत बढ़ जाएगा। ये अपशगुन है भारतीय जनता। खबर बहराइच से है, जहां गोंडा से बहराइच आ रही डेमू ट्रेन से कटकर एक अज्ञात युवक की मौत हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर युवक की पहचान कराने की कोशिश की गई। हालांकि मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक की शिनाख्त में जुटी है। खबर बहराइच से है, जहां नाबालिग को अगवा कर रेप करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं घटना बीती फरवरी माह की बताई जा रही है, जहां नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। साथ ही शादी और धर्मांतरण का भी आरोप लगा है। वहीं गांव के ही कुछ लोगों पर नाबालिग ने आरोप लगाए हैं, जिसकी तहरीर मिलने पर पुलिस हरकत में आई। SP ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। आज थाना हरदी पर एक प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक 15 वर्षीय युवती को उसके खेतों से अगवा करना, बंधक बनाना, उसके साथ दुष्कर्म करना, शादी का धर्मांतरण का दबाव बनाना जैसे आरोप लगाए गए हैं। घटना फरवरी माह की बताई जा रही है, फिर भी गंभीर आरोपों को देखते हुए इसमें तत्काल संज्ञान लिया गया, मुकदमा पंजीकृत कराया गया और मुकदमा पंजीकरण के जल्द ही बाद मेरे द्वारा स्वयं मौके पर पहुँच कर जाँच की गई है।
बिजनौर में इंस्टाग्राम पर कमेंट करने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थर चला रहे हैं, जहां दर्जनों लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वहीं इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया है। कोतवाली नगर के ग्राम जंदलपुर के रहने वाले फैजान ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड किया, जिस पर गांव के ही रहने वाले नदीम ने कमेंट किया। इस कमेंट को लेके दोनों के बीच में आपस में कहासुनी हो गई, जिसमें बाद में फैजान अपने साथियों के साथ नदीम के बैठक पर आया, नदीम और नदीम के घर वालों के साथ मारपीट की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सुसंगत धारा में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित। बुलंदशहर पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खुर्जा नोएडा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा के पक्ष में मतदान करने का ऐलान किया। इस दौरान चौधरी चरण सिंह के पैतृक गांव भटोना में जयंत चौधरी ने कहा, नल के पानी से कमल खिलेगा, साइकिल फिसल गई। वहीं भाकियू अध्यक्ष राकेश टिकैत को लेकर बोले कि वो सामाजिक कार्य करते हैं, समाज के फैसले लेते हैं, उनका कहना उनका हक है। लोकदल जाटों के अलावा सभी किसानों को साथ लेकर चलती है। हमारा जो सिंबल है नल, हैंडपंप नल जी, और भाजपा का कमल, कमल को भी पानी की जरूरत है तो कमल खेलेगा, और ये जो साथ है इसमें मेल बन गया, तुकबंदी भी बन रही है, मुद्दे भी बन रहे हैं, काम भी हो। तमिलनाडु से चलकर दिल्ली तक की अपनी 21,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली बुलेट रानी उर्फ राजलक्ष्मी मंदा आज कानपुर पहुंची। वहीं जिस बुलेट से बुलेट रानी कानपुर पहुंची, अब इस बुलेट की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRV नंबर प्लेट ना होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस पर कानपुर की DCP ट्रैफिक ने कहा कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। साथ ही कहना है कि अगर बुलेट रानी के बुलेट पर HSRV नंबर प्लेट नहीं है तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कासगंज में ईद पर पिकनिक मनाने आए 9 किशोर नहर में नहाते समय गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। डूबते किशोरों ने शोर मचाया तो गोताखोरों ने 4 किशोरों को बचा लिया और पांचवा डूबकर लापता हो गया। गोताखोरों ने काफी देर तक किशोरों की तलाश की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई तो PAC की फ्लड यूनिट ने लापता किशोरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया लेकिन किसी डूबे किशोर को सर्च टीम बरामद नहीं कर सकी। तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां पर कुछ बच्चे नहाने के लिए आए थे और इनकी उम्र 14 से लेकर 22 साल तक की है और अभी तक 4 बच्चे जो हैं वो रेस्क्यू हो चुके हैं। 5 बच्चों के डूबने की सूचना है। यूपी में BJP नेता खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आचार संहिता का मजाक उड़ा रहे हैं। BJP नेता वोट पाने के लिए लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल कौशाम्बी जनपद में 100 गाड़ियों के काफिले के साथ विनोद सोनकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जहां भाजपा कार्यालय के पास विनोद सोनकर का काफिला लगने से पूरी रोड में जाम लग गया। वहीं जाम के कारण DCM और बाइक सवार में भिड़ंत हो गई और एक महिला घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली से पैदल निकला विजय नाम का युवक अपने बदन पर शहीदों के नाम लिखकर यूपी के सभी जिलों में भ्रमण कर रहा है और भगत सिंह राजगुरु को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग कर रहा है। मुरादाबाद से रामपुर के लिए युवक मुरादाबाद रवाना हुआ। ये व्यक्ति यूपी के सभी जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देगा। युवक ने कहा, जो बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं उन्हें सब भूल जाते हैं, उनको याद रखा जाए और उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। सिटी में पैदल चल रहे और कहने की देश को जगाने का काम कर रहे। शहीद आज़ादी के इतने साल हो चुके, 7 दशक से ऊपर हो चुके और आज तक भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। बाद ये 21वां जिला है, देश के हर जिले में जाना है। DM साहब को ज्ञापन देना, राष्ट्रपति महोदय से हम मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी को शहीद का दर्जा दिया जाए ताकि उनको सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन मिलेगी जिस दिन शहीद का दर्जा दिया जाएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है उसमें आतंकवादी बताया गया, वो शब्द हटाया जाए।
पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के यमुना नगर औद्योगिक थाना क्षेत्र के मवैया गांव से करीब 18 साल का छात्र लापता हो गया। छात्र घर से पेन खरीदने के लिए निकला था और घर वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा औद्योगिक थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हालांकि पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जाँच पड़ताल की जा रही है। इस दौरान परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है, साथ ही पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी गई है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए न्याय की गुहार लगाई। हमारा बड़ा लड़का है, उम्र करीब 18 साल की है। घर से करीब 7:30 बजे 8 तारीख को शाम को निकला है पेन लेने के लिए, तब से अभी तक वापस नहीं आ पाया है। मुझे शंका है कि उसका अपहरण हो सकता है और कुछ लोगों पर मेरा जहाँ तक मानना है शंका है, तो मैंने अलग से लिखित में दिया है। उसी रात 8 तारीख को ही रात में हम एसओ साहब को फोन करके बताए हैं। दूसरे रायबरेली में निर्वाचन ड्यूटी में लगे सेक्टर अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों ने एसडीएम डलमऊ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सामान्य निर्वाचन 2024 में लगे एक दर्जन से सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने एसडीएम डलमऊ आशुतोष राय पर आरोप लगाया कि मीटिंग के दौरान उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, माफी मांगने के बाद भी उन्होंने इंजीनियर्स को पुलिस को सौंप दिया। एसडीएम की तानाशाही से पीड़ित डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने आज इस मामले की शिकायत डीएम हर्षिता माथुर से की। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में हमारे साथी जो है विभिन्न पदों पर लगे हुए हैं, एफएसटी पे, सेक्टर मजिस्ट्रेट पे, अन्य पदों पे। ये सेक्टर मजिस्ट्रेट की मीटिंग डलमऊ तहसील वो एसडीएम द्वारा जो है अभद्रता की गई है मीटिंग में। जिले पर सारी सूचनाएँ उनके द्वारा यहाँ दे दी गई, फिर भी उन्हें डलमऊ बुलाया गया। ये लोग सब डलमऊ गए, मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग में ही उनके द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग और अभद्रता करना, फिर उसके बाद एफआईआर करना, फिर उसके बाद कहना कि ले जाओ इन्हें कोतवाली, और कोतवाली ले भी गए। कोतवाली ले जा करके उनके ऊपर धाराएं लगा करके उनको जो है फिर से चालान वगैरह ले करके धारा 195 के अंतर्गत लाना चाह रहे थे। तो इस लोगों को ले गए थे, कितने लोगों को? हमारे यहाँ एक हमारे इरीगेशन के जूनियर इंजीनियर हैं, इंजीनियर प्रवीण पांडे, उनको ले। संभल में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 19 अप्रैल तक सभी प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। वहीं नामांकन को लेकर संभल जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि संभल लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें संभल चंदौसी असमोली संभल जिले की है और बिलारी कुंदर की मुरादाबाद जनपद में आती है। लोकसभा क्षेत्र संभल जिसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, असमौली, संभल, चंदौसी जो ज़िला संभल में पड़ती हैं, और कुंदरकी और बिलारी जो ज़िला मुरादाबाद में पड़ती हैं। इन 5 विधानसभाओं से मिलकर लोकसभा संभल का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके नामांकन जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष में यहाँ पर बहजोई में कलेक्ट्रेट में 11 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। 12 तारीख से लेकर 19 तारीख जो है वो आखिरी नामांकन की तिथि है, और प्रत्येक नामांकन दिवस पर जिसमें कि गजेटेड हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज और जो सैटरडे, सेकेंड सैटरडेज और संडे, ये दिवस छोड़कर यहाँ पर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक डेली नामांकन होगा। 100 मीटर का रेडियस हम लोगों ने मार्क कर दिया है, जहाँ से अंदर जो है वो जो प्रत्याशी हैं उनको मिलाकर 5 व्यक्ति अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पैदल आ सकते हैं, और वहाँ तक 3 गाड़ियों से वो आ सकते हैं। वहाँ पर हमने पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था कर दी है। खबर सीतापुर से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सभाओं का दौर जारी है। वहीं पूरनपुर में जनसभा करने के बाद सीतापुर में लहरपुर विधायक अनिल वर्मा के घर पहुंचे अखिलेश यादव ने यहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनाव को लेकर मंत्रणा भी की। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर समेत लहरपुर विधायक अनिल वर्मा और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसदों पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार स्वास्थ्य भाग नहीं चला पा रही है। कोई निकम्मा है, जो जनता की बात न सुने सरकार वो निकम्मी है, जो महंगाई बढ़ाए वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बेरोजगारी बढ़ाए वो निकम्मी है, जो सरकार गरीबों को दुख दे वो निकम्मी है, जो सरकार हमारे किसानों पे लूट करे वो निकम्मी है। बीती रात कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की माता का निधन हो गया था। वहीं आज उनका अंतिम संस्कार महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर हुआ। वहीं कैबिनेट मंत्री के पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी। बता दें कि लंबी बीमारी के बाद बीते दिन केजीएमयू में उनका निधन हो गया। वहीं बीजेपी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए।
पीएम मोदी के खिलाफ प्रत्याशी बनाए जाने के बाद किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर वाराणसी पहुंची। बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हिमांगी सखी को वाराणसी से प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वो पहली बार मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने किन्नरों के विकास और हक के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके अलावा ज्ञानवापी को लेकर भी हिमांगी सखी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा ज्ञानवापी चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा, साथ ही जीत के बाद ज्ञानवापी मंदिर बनाए जाने का ऐलान किया। मैं कहती हूँ मंदिरों को लाने की तो बड़ी कोशिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है। किन्नर समाज को बचाने की कोशिश हो रही है कि नहीं, ये मुझे बताए, किन्नर समाज को बचाने की कोशिश हो रही है कि नहीं? कहाँ खड़ा है किन्नर समाज? मैं पूछना चाहूंगा, पूछता है पूरा भारत किन्नर समाज का, दुआएं लेने के लिए तो हम चाहिए आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए? एक रुपए का सिक्का हमारे हाथ का चाहिए, मगर हम नहीं चाहिए। इसीलिए बनारस की भूमि पे मैं खड़ी हूँ और हमारा यही मांग रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।